डिस्कस करेंगे आईएक्स स्टॉक के बारे में। टेक्निकली ट्रेंड वीक हो चुका है, तीन लगातार बियरिश कैंडल बने हैं डेली टाइम फ्रेम पे, लेकिन आई है एक बड़ी अपडेट्स। तो सभी न्यूज और ट्रेंड को समझे इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम को ज्वाइन करें और डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लेंगे, जिससे आपको एक्टिव ट्रेडिंग कम्युनिटी और लर्निंग ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। आज इस स्टॉक में थोड़ा 2% की तेजी दिखी और ये तेजी स्टॉक में ही नहीं बल्कि पूरे बाजार में ही देखने को मिला है। एक बड़ी अपडेट्स इस स्टॉक में देखने को मिली है, वो बड़ी अपडेट्स क्या है यहां देखेंगे। आईएक्स के जो मंथली अपडेट्स आते हैं वहां पे जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो 17% और ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ हुआ है वो देखेंगे 28,326 एमयू यानी मेगा यूनिट जो है कंपनी ने डिलीवर करे हैं। तो ये ओवरऑल जो है पॉजिटिव न्यूज है और कंपनी मंथ ऑन मंथ बेसिस पे वॉल्यूम ग्रोथ जो है काफी एक्सपोनेंशियल बढ़ते दिख रहा है। और ये तीन मंथ पहले देखेंगे तो ये वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो डाउन ट्रेंड में दिख रहा था और इस समय जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो अपर साइड के तरफ दिख रहा है। यहाँ देखेंगे 4 जनवरी की ये खबर है कि आईएक्स अचीव 9707 मेगा यूनिट ओवरऑल वॉल्यूम इन दिसंबर 2023 इंक्लूडिंग 10.52 लाख रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफाइड इक्विवेलेंट टू नियर अराउंड 1050 MU। और यहां देखेंगे जो ओवरऑल जो ग्रोथ दिखा है वो लगभग 15% के ईयर ऑन ईयर दिखे हैं। और यहां देखेंगे जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम है वो भी लगभग 9% के ग्रोथ दिखे हैं। तो ये एक अच्छी खबर है और जो डिलीवरी रिसेंट के रहे हैं वो डिलीवरी भी बेटर दिख रही है। और बात करेगा टेक्निकल ट्रेंड के तो ये ट्रेंड पाएंगे कि आउट परफॉर्मिंग रिसेंट के समय में चाहे 3 मंथ के हों 6 मंथ के हों ओनली 2 ईयर के रिटर्न निगेटिव हैं, बाकी सभी ट्रेंड जो है आपको पॉजिटिवली ही देखने को मिलेगा। अब आज के कामकाज देखें, 1 करोड़ का वॉल्यूम है, बायर देखेंगे तो सेलर के कंपेरेटिवली जो है वो वीक है क्योंकि सेलर जो है लगभग 3 टाइम्स है, लेकिन बायर सेलर के कंपेरेटिवली 30% होकर के भी स्टॉक को पॉजिटिव में रखना यानी जो ट्रेंड है वो अभी यहां से रिवर्सल दिख सकता है। डिलीवरी 50% की गई है। अब एक बार आईएक्स के चार्ट को देखेंगे, ये जो 3 कैंडल आपको दिख रहा है यहां देखेंगे ये जो बैक टू बैक ये 3 कैंडल आपको दिख रहा है इसको ब्लैक क्रोन कहते हैं, जो कि एक निगेटिव बियरिश यहां से जो ट्रेंड दिखा था इसका बियरिश सिग्नल होता है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो कॉशन बरतेंगे, क्यों? क्योंकि इसका जो रिवर्सल है वो मिनिमम रिवर्सल के लिए आप 172 को ब्रेकआउट करने दें तभी एक रिवर्सल दिखेगा, नहीं तो ये सपोर्ट के लिए 152 और 56 के लेवल दिख सकते हैं, इस चीज को याद रखेंगे। ये जो जोन है 160 से लेकर के 172 का ये नो ट्रेडिंग जोन है, जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके लिए ठीक है, वो यहाँ पे एवरेज करेंगे, लेकिन यहाँ फ्रेश बाइंग करने से आपने बचना चाहिए। अब एक बार मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट को दिखाऊं और मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि ओवरऑल इस समय ये स्टॉक एक कंसोलिडेट जोन में है और ये कंसोलिडेशन लगभग 2022 जनवरी से लेकर के 2024 जनवरी यानी 2 साल से एक कंसोलिडेट फॉर्म में ट्रेड करते दिख रहा है। तो जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं वो मैंने क्या कहा 172 के ऊपर लॉन्ग करेंगे और 152 एक डिमांड जोन है तो यहाँ रिवर्सल के लिए ध्यान रखेंगे, इस बीच में इग्नोर करें। लेकिन आप इन्वेस्टर हैं, आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज से लिए के लिए चाहते हैं तो 152 to 72 के बीच में धीरे धीरे एक्युमुलेट करें और इजिली इसका टारगेट देखेंगे तो नियर अराउंड 260 to 320 इन